एमसीडी चुनाव के बीच तिहाड़ जेल से सामने आए सतेंद्र जैन के वीडियो से क्यों मची है खलबली और सियासी घमासान क्यों मचा है? जैन के मसाज वाले खुलासे से एमसीडी चुनाव में आपको कितना नुकसान होगा? केजरीवाल के दावे में है कितनी सच्चाई? चुनावी दंगल से जुड़ी खबरों के लिए अब आपको दिखाते हैं एमसीडी टॉप 9। जेल से सतेंद्र जैन की मसाज का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में अपनी सेल में सतेंद्र जैन मसाज लेते दिखाई दिए। सतेंद्र जैन को लेकर इस वीडियो से टीवी 9 की खबर पर मोहर लगी है तो तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री सतेंद्र जैन की ऐश का मुद्दा एमसीडी चुनाव में भी गर्मा गया है। सतेंद्र जैन की मसाज के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में सतेंद्र जैन हाथ पैर दबवा रहे हैं तो एक और वीडियो में रेड टी शर्ट में सतेंद्र जैन लेट कर हैंड मसाज करवा रहे हैं। जेल में सतेंद्र जैन के वीआईपी ट्रीटमेंट का सीसीटीवी वीडियो 3 सितंबर 2022 का है। तिहाड़ जेल के सेल 4 ब्लॉक 1 की सीसीटीवी फुटेज में हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज का वीडियो भी सामने आया है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो इससे पहले ईडी ने कहा था कि जेल में सतेंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज मिलता है। इस खुलासे के बाद एमसीडी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी को जोर शोर से घेर रही हैं। सतेंद्र जैन पर हुए खुलासे के बाद एमसीडी चुनाव में बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। शहजाद पूनेवाला ने केजरीवाल पर तिहाड़ जेल में मसाज पार्लर खोलने का आरोप लगाया। पूनेवाला ने कहा कि केजरीवाल के बदौलत सतेंद्र जैन को सजा नहीं मजा मिल रहा था। तिहाड़ जेल के भीतर सतेंद्र जैन को मिल रही थी सजा या केजरीवाल जी के बदौलत मिल रही थी मजा? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर वीडियो जारी कर घटिया हरकत करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी बीमारी पर क्रूर मजाक कर रही है। सतेंद्र जैन को रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई, आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को कट्टर बेईमान करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में सीट रेवड़ी की तरह बांटी जाती है। अलका लांबा ने कैश फॉर टिकट के मामले पर भी केजरीवाल को घेरा। आम आदमी पार्टी के ठगों का ये चेहरा भी देख लेगी। कह रहे थे हम राजनीति बदलने आए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 250 में से केवल 20 सीट मिलने का दावा किया है। वहीं केजरीवाल ने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की 230 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाने का भी वादा किया। होनी चाहिए एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में स्टिंग पर घमासान तेज है। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी नेता ने जेई से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी तो जवाब में आरोपी मुकेश गोयल ने कहा कि स्टिंग में उनकी तस्वीर नहीं है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। आज उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। एमसीडी चुनाव में कुल 1,405 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के 2 और आप के 1 उम्मीदवार समेत 1,069 जवानों का पर्चा जांच के बाद खारिज कर दिया गया था। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।